वरिष्ठ समाज सेवक रमेश लोहाना झूलेलाल की पूजा करने पहुंचे आरसीएफ तालाब। वरिष्ठ समाज सेवक रमेश लोहाना आरसीएफ तालाब झूलेलाल की पूजा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर साल हम सिंधी समाज के लोग यहां पूजा आयोजन करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चेंबूर आरसीएफ तालाब पर ये पूजा तकरीबन 40 दिन चलती है। जब हिंदू लोग को जुलम करते थे तो उन्होंने फिर हम लोग जब सिंधी हिंदू लोग सब तालाब पे गए तो उन्होंने बड़ा दी है हमारे जब जुलम कर रहे तो उधर आवाज़ आया था कि 40 दिन में पूजा करो तो 40 दिन के बाद में झूला प्रगट हो गए तो औरंगजेब को ख़त्म कर दिया। तो उनके प्रभाव से औरंगजेब का पूरा उसके लिए हम लोग हाँ तो ये 40 दिन इसलिए मनाते हम लोग कि वो औरंगजेब उस दिन 40 दिन के बाद में प्रगट हुए तो उन्होंने औरंगजेब को संकट काटता है। ये झूलेलाल की पूजा ये आपके यंग जनरेशन में कितने आपकी यंग जनरेशन इसको फॉलो कर ये तो बहुत अभी तो पहला बहुत परंपरा चलती आ रही है हमारी ये हम लोग हमारे बाप दादा करते थे अभी हम लोग कर रहे हैं अभी हमारे बच्चे करेंगे फिर। ऐसा कहा जाता है कि 1300 साल पहले समाज पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय सिंधी समाज के लोगों ने इस तालाब की पूजा की जिससे वहां झूलेलाल प्रकट हुए और उन्होंने समाज पर बढ़ते अत्याचारों का निवारण किया। तब से इस आरसीएफ तालाब पर झूलेलाल की पूजा करने की परंपरा चलती आ रही है। चलिए वारे साहेब की बोलो रे जे वारे साहेब की आयो लाल करो आज हमारे 40 दिन पूजा का नौवां दिन है। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन जो 40 दिन उपवास नहीं रख सकते हैं वो अपनी 9 दिन की पूजा यहाँ आके समाप्त करते हैं और अपने उपवास की समाप्ति करते हैं। पानी की पूजा क्यों की जाती है? पानी की इसलिए की जाती है कि हमारे वरुण देवता हो जल देवता है इनका इनके कई नाम है इनको जल देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए झूलेलाल वरुण देवता पानी के देवता है इसके लिए इनकी हमेशा पानी में ही पूजा की जाती है। ये पूजा कब से हो रही है? ये पूजा परंपरा हमारी जमाने से चलती आ रही है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। मुझे लगता है 100 साल से पूजा चलती आ रही है हमारे पूजनीय जो हमारे लोग गुजर गए उनको फॉलो करते हम आज पूजा करते ही आ रहे हैं। ये परंपरा हमारी जमाने से चलते आ रही है। जरूर हुआ करती थी इससे भी ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन क्या उस टाइम हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हमारे जो बुजुर्ग चले गए उन्होंने हमको इस बात का सब ज्ञान दे दिया है कि उस टाइम पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की पूजा हुआ करती थी जो आज हमारे हिंदुस्तान में। आज हमारे पाकिस्तान में जो सिंधी रहते हैं वो भी चालिया सब इसी तरह से मनाते जिस हिसाब से हम लोग हमारे हिंदुस्तान में करते हैं हमारे से भी ज़्यादा वो झूलेलाल को ज़्यादा मानते हैं। झूलेलाल भगवान हमारे हमारे बाप दाता हूँ हमारे अब जो झूलेलाल है वरुण देव पानी में से निकले थे हमारे झूलेलाल ने वही कहा था जब भी माँ के पेट में कोई भी बच्चा रहता है तो जामिन पड़ता है कि मैं इसका जामिन पड़ता हूँ ये बाहर निकलेगा तो ज़रूर तुम्हारा नाम लेगा लेकिन भगवान ने बोला ये हमारा नाम नहीं लेगा लेकिन झूलेलाल ने बोला हम तुम्हारा इसका जामिन पड़ता हूँ। वो कैसे जब भी पानी पड़ेगा अपने अपने भगवान का नाम लेगा और खुदा का नाम लेगा गुरु बाबा का नाम लेगा झूलेलाल का नाम लेगा सबका नाम लेगा लेकिन नाम जरूर लेगा उस भगवान मालिक का। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।